गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉग्स विद दिव्या चौहान। सो गाइज ऋषिकेश व्लॉग पार्ट टू में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम मैंने जो ऋषिकेश का व्लॉग दिखाया था उसमें मैंने आपको राम झूला दिखाया था और आज मैं आपको दिखाने जा रही हूँ द सीक्रेट वाटरफॉल। सीक्रेट वाटरफॉल कहाँ पर है, कैसे पहुंचना है, आज मैं उसकी आपको सारी डिटेल देने वाली हूँ। तो गाइज बने रहिए मेरे साथ, जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए गाइज जल्दी से आज का व्लॉग शुरू करते हैं। सो गाइज यहाँ पे मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी, हम तीनों निकल चुके हैं द सीक्रेट वाटरफॉल के लिए। गाइज यहाँ का जो रास्ता है वो काफी ट्रैकिंग वाला होने वाला है क्योंकि यहाँ के जो रास्ते हैं वो काफी पतली पतली गलियां हैं, ऊपर चढ़ाई भी है काफी सारी क्योंकि पहाड़ों के पास ये बनी हुई है। वाटरफॉल जो है, जो भी है, सब पहाड़ों से ही निकलते हैं, आपको पता ही होगा। तो गाइज इसीलिए हम यहाँ पे गाड़ी नहीं लेके जा रहे हैं क्योंकि गाड़ी अगर लेके गए तो हो सकता है हमें आने में जाने में दिक्कत हो क्योंकि पतले रास्ते हैं, अगर सामने से भी कोई गाड़ी आएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी और टाइम भी ज़्यादा लग सकता है गाड़ी में। इसीलिए हमने यहाँ पे स्कूटी हायर किया और स्कूटी के थ्रू मैं और मेरे हस्बैंड जा रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं वीडियो में जो भी रास्ते में यहाँ पे लैंडमार्क आपको दिखाई दे रहे हैं, आप लोग इनको नोटिस कर सकते हैं कैसे कैसे आपको जाना है। तो गाइज अभी यहाँ पे बीच में हॉस्पिटल पड़ा था जहाँ से हमने राइट लिया है। हॉस्पिटल का नेम है आयुष्मान मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, जहाँ से हमने राइट लिया। हमें यहाँ से सीधे सीधे ही जाना है। हम लोग पहले डिकॉन वैली के लिए जा रहे हैं क्योंकि डिकॉन वैली के ही साथ में जो गली है वो सीधे ऊपर गई है, यानी तपोवन वाटरफॉल के लिए गई है। तो गाइज चलिए मैं जल्दी से आपको लेके चलती हूँ द सीक्रेट वाटरफॉल। गाइस सीक्रेट वाटरफॉल के बारे में एक बात और बता दूं, यहाँ पे आपके कोई एंट्री चार्जेस नहीं है, कोई टिकट प्राइस वगैरह नहीं है, आपकी फ्री एंट्री होगी क्योंकि ये जो वाटरफॉल बने हुए हैं वो नेचुरली ही बने हुए हैं, इसमें गवर्नमेंट का कोई लेन देन नहीं है। इसीलिए अगर आप नीर वाटरफॉल वगैरह में जाते हो, और भी एक दो यहाँ पे वाटरफॉल है ऋषिकेश में जो काफी फेमस है, लेकिन वहाँ पे आपको उनकी एंट्री टिकट वगैरह लेनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ जो मैं आपको लेके जा रही हूँ द सीक्रेट वाटरफॉल, यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है और यहाँ पे कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, आप जितने मर्जी चाहे रुक सकते हैं, जितनी देर भी इसमें नहा सकते हैं। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होने वाला, आप लोग आराम से जाइए, यहाँ पे मजे करते हुए जाइए, रुकिए जितनी मर्जी देर नहाइए। वहाँ पे कैंपिंग भी है रास्ते में, आप लोग कैंप भी कर सकते हैं और कैंपिंग के लिए, एडवेंचर के लिए ये ऋषिकेश बहुत ही अच्छी जगह है। तो गाइज आप लोग जरूर विजिट कीजिए। तो गाइज देख सकते हैं हम लोग डिकॉन वैली के पास आ चुके हैं, डिकॉन वैली का आप बोर्ड भी देख रहे हैं, यहाँ से सोसाइटी शुरू और इसी के साथ में जो गली जा रही है ये सीधे आपको द सीक्रेट वाटरफॉल लेकर जाएगी। तो गाइज हम सीधे सीधे चलते जा रहे हैं, रास्ते में कोई भी आपको परेशानी नहीं होने वाली क्योंकि रास्ते बहुत ही सिंपल है, सीधे सीधे रोड ऊपर वाटरफॉल की तरफ ही जाने वाले हैं। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होने वाले, आप लोग मेरी वीडियो में भी देख सकते हैं हम लोग सीधे सीधे जा रहे हैं, कोई कट वगैरह भी नहीं है जिससे आपको कंफ्यूजन हो कि हमें कहाँ मुड़ना है कहाँ नहीं है, सीधे वाटरफॉल के लिए ही रास्ते गए हुए हैं। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ के जो लोकल लोग हैं, यहाँ पे लोकल पीपल रहते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं कि कैसे कैसे ऊपर जाना है। डिकॉन वैली से बहुत ही ज्यादा ईजी है ऊपर जाना है आपको, सीधे सीधे और कुछ नहीं करना है। डिकॉन वैली तक आप चाहें तो गूगल से भी आप उसका मैप वगैरह देख सकते हैं कि हमें डिकॉन वैली कैसे पहुंचना है। एंड गाइस डिकॉन वैली से वाटरफॉल के लिए जो डिस्टेंस है वो ओनली ऑन 2.5 किलोमीटर का है, बस आपको 10 से 15 मिनट वहां पहुंचने में लगने वाले हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ही पास में है डिकॉन वैली से ये वाटरफॉल। तो गाइस चलिए हम लोग थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, मौसम भी थोड़ा सुहाना हो चुका है, शाम का टाइम हो गया है, बारिश का ऐसा लग रहा है कि बारिश हो सकती है, हम फिर भी कोशिश करेंगे टाइम से पहुंच जाए और वहां पे जाके थोड़ा सा एंजॉय कर ले, बारिश शुरू होने से पहले हम लोग वापस आ जाए तो काफी अच्छा रहेगा क्योंकि छोटा बच्चा है, बारिश में भीग गया तो थोड़ा दिक्कत भी हो जाएगी, तो इसलिए हम जल्दी से चल रहे हैं। गाइज आप लोग देख सकते हैं पहाड़ों से बहता हुआ पानी अब आपको नज़र आने लगा होगा क्योंकि अब हम पहुंचने ही वाले हैं, थोड़ी दूरी है बस हमारा वाटरफॉल, जरा सी दूरी पर हम पहुंचने वाले हैं, मुश्किल से हमें 2 मिनट और लगेगी। आप लोग देख सकते हैं छोटे छोटे यहाँ पे वाटरफॉल दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी सारे बने हुए हैं, जगह जगह पानी बहता हुआ ऊपर से पहाड़ों पर से आता हुआ नज़र आ रहा है और यहाँ की जो नेचुरल ग्रीनरी आप देख रहे हैं, हरियाली, पेड़ पौधे इतने सुंदर लग रहे हैं, इतनी अच्छे लग रहे हैं यहाँ पर देख के,
बहुत ही अच्छी वाइब आ रही है यहाँ पे आने के बाद। मुझे तो पर्सनली काफ़ी मज़ा आ रहा है, अभी रास्ते में ही इतना अच्छा लग रहा है। जब हम पहुँच जाएंगे वाटरफॉल के पास तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। गाइज आप लोग देख सकते हैं, ये देखिए एक और वाटरफॉल आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे अभी कोई लोग नहीं नहा रहे थे तो हमने सोचा को थोड़ा और ऊपर जाते हैं जहाँ पे हमें और अच्छा बड़ा वाटरफॉल मिले, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल हैं। लेकिन हम लोग और ऊपर जाएंगे जहाँ पे काफ़ी अच्छा वाटरफॉल आपको देखने को मिलेगा। गाइज देख सकते हैं यहाँ पे ये एक छोटा सा पुल टाइप बनाया हुआ है जिसे हमें क्रॉस करके आगे की तरफ जाना है। यहाँ पे नीचे पानी बहता हुआ नजर आ रहा है और काफी अच्छा लग रहा था यहाँ पे आने के बाद। पानी सही हो नवे पानी। गाइज आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जगह जगह छोटे छोटे पॉन्ड टाइप यानी तालाब वगैरह बने हुए हैं जहाँ पे आप बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं, नहा सकते हैं। गाइज क्या बताऊँ, यहाँ पे आके इतना अच्छा लग रहा है, जो पानी की आवाज़ आ रही है पहाड़ों पर से बहता हुआ, बहुत ही साफ पानी था, एकदम क्लियर पानी दिखाई दे रहा है और पानी भी काफ़ी चिल्ड है, मैंने एक बार जाके देखा भी था। तो गाइज यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं सीक्रेट वाटरफॉल के पास, मैं आपको दिखाऊंगी ऊपर से पानी बहता हुआ नज़र आएगा। लेकिन गाइज यहाँ पे भीड़ बहुत है, काफ़ी सारी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं कुछ लोग तो बाहर ही बैठे हैं। और ये देखिए आपको पीछे साइड दिखाई भी दे रहा होगा, ऊपर से पानी बहता हुआ आ रहा है, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नहा के बाहर भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग वहाँ अंदर नहा रहे हैं। तो जेंट्स की ज़्यादा भीड़ थी इसी वजह से हम लोग यहाँ पर नहीं रुके, हम लोग थोड़ा और ऊपर की तरफ आगे की तरफ गए हैं ताकि हम आराम से पर्सनली अच्छे से अपना इंजॉय कर सके, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोगों में ना ज़्यादा अच्छे से इंजॉय नहीं कर पाते, इसीलिए हम और आगे की तरफ ऊपर की तरफ चले गए। ये देखिए गाइस ऊपर से पानी बहता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, कितना अच्छा लग रहा है वाटरफॉल। ये देखिए गाइस हम लोग पहुंच चुकी हैं सीक्रेट वाटरफॉल, आप लोग देख सकते हैं पानी कितना ज़्यादा क्लियर है, अंदर की जो इसमें रेत मिट्टी पड़ी हुई है मतलब जो नीचे कंकड़ वगैरह हैं छोटे छोटे से, वो भी इतनी क्लियर दिखाई दे रहे थे और पानी जो बहता हुआ आपको दिखाई दे रहा है कितना अच्छा लग रहा है। गाइस चलिए मैं आपको ऊपर की तरफ और दिखाती हूँ, यहाँ पे काफ़ी सारे वाटरफॉल बने हुए हैं, पॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा जहाँ पे आप बैठ के आराम से नहा सकते हैं एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको उसमें लेके चलती हूँ, आपको दिखाती हूँ पास से। देखिए गाइज हम लोग पहुंच चुके हैं ऊपर की ओर और यहाँ पे एक सुंदर सा पॉन्ड बना हुआ है और जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो गाइज मुझसे तो पानी देख के वेट नहीं हो रहा है, मैं तो जा रही हूँ इस पानी में और इन्जॉय करने वाली हूँ काफ़ी ज़्यादा, और फ़ोन रखने वाली हूँ साइड में क्योंकि मुझे करना है इस पानी में इन्जॉय। मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि उसको तो नहाना उसको इतना पसंद है कि मैं क्या ही बताऊँ, पानी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, तो इस टाइम वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है पानी में जाने के लिए। तो मैं अब जा रही हूँ इस पानी में एंजॉय करने, आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय करें, इस वीडियो को एंजॉय करें, लाइक करें वीडियो को, जल्दी शेयर करें, कमेंट करें। तो गाइस चलिए मेरे साथ जल्दी से इस पानी में चलते हैं और एंजॉय करते हैं सीक्रेट वाटरफॉल में यहाँ आके। गाइस यहाँ पे अंदर छोटे छोटे पत्थर भी थे जिसकी वजह से मैं गिरते गिरते बच गई हूँ, बट फिर भी मैं आराम आराम से अंदर जा रही हूँ क्योंकि मेरा बड़ा मन कर रहा था यहाँ जाने का, सबसे पहले मैं ही अंदर पानी में गई हूँ, बाकी सब लोग अभी वेट कर रहे हैं क्योंकि पानी काफ़ी चिल्ड है। देखिए गाइज यहाँ पे मेरी देवरानी भी आ चुकी है मेरे साथ पानी में एंजॉय करने। बहुत मज़ा आ रहा है,
अगली वाटरफॉल लाइव मैंने हमेशा टीवी में देखे हैं, लेकिन मैं फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ तो मुझे सच में रियली इतना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। तो गाइस आप भी अगर आते हैं ऋषिकेश तो यहाँ पे ज़रूर आइए। सीक्रेट वाटरफॉल है, बहुत ज़्यादा ऊपर जाके आया था बट सच में मेहनत के बाद आए हैं, लेकिन काफ़ी मज़ा आ रहा है यहाँ आके। गाइज यहाँ पे मैं कर रही हूँ पानी में, काफी ज्यादा एंजॉय आप लोग देख सकते हैं। गाइज पानी में एंजॉय करने के बाद अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं, क्योंकि अभी जो मौसम है वो चेंज हो चुका है, बादल काले हो रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना हम टाइम से निकल जाए। जैसे हम जब यहाँ से निकल रहे थे तो हमने यहाँ पे जो साइड में प्लांट्स वगैरह लगे हैं वो मैंने बड़े ध्यान से देखे, आप लोग देख सकते हैं कितने सुंदर यहाँ के प्लांट्स हैं, लीव्स वगैरह बिल्कुल ऐसे लग रहे जैसे आर्टिफिशियल हैं, बहुत ही सुंदर ये प्लांट्स लग रहे थे इनके, आप देख सकते हैं लीव्स वगैरह कितनी सुंदर लग रही हैं, लग ही नहीं रहा है कि असली वाले पेड़ पौधे हैं, क्योंकि बिल्कुल ऐसे लग रहे थे आर्टिफिशियल ही हैं, काफ़ी सुंदर लग रहे थे। मैंने इनको पास से देखा, बहुत ही प्यारा कलर इनका लग रहा था। तो गाइस आप लोग भी देख सकते हैं कितने अच्छे लग रहे हैं यहाँ के पेड़ पौधे, ये देखिए गाइस कितना सुंदर यहाँ पे ये पौधा है छोटा सा, जिसमें छोटे छोटे फूल लगे हुए हैं, आई डोंट नो ये किस चीज़ के पौधे हैं, लेकिन ये जितने भी प्लांट्स हैं पौधे हैं वो काफी अच्छे लग रहे थे और बहुत ही नेचुरल कलर इनका दिखाई दे रहा था। सो गाइस ऋषिकेश द सीक्रेट वाटरफॉल में एंजॉय करने के बाद अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग जाएंगे अब आगे हरिद्वार की ओर। तो गाइस इसी के साथ ये ब्लॉग जो है वो मैं यहीं फिनिश करती हूँ, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा, टेक केयर। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो गाइस गुड बाय।